भारत खवातीन के लिए गैर महफूज मुल्क बन गया। खवातीन से ज्यादती, तशद्दुद, तेजाब गर्दी और हरासा करने समेत दीगर सिन्फी तफरीक के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। एक जानब खातीन के हकूक के लिए आलमी सतह पर दिन मनाया जा रहा है तो दूसरी जानब भारत में खातीन के हकूक मजीद सल्ब किए जा रहे हैं, जिसका सबूत भारत में जराइम की ताज़ा तरीन सरकारी एदादोशुमार है, जिनमें बताया गया है कि मजमू तौर पर एक साल में खातीन के खिलाफ जराइम और तशद्दुद के 3,60,000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर ज्यादती के मुकदमात थे। रजिस्टर्ड एदादोशुमार के मुताबिक भारत में हर 15 मिनट में एक खातून के साथ ज्यादती और हर रोज किसी खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती होती है, जबकि हर 2 घंटे बाद ज्यादती या इज्तिमाई ज्यादती की नाकाम कोशिश की जाती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में 6 मिनट के अंदर कोई ना कोई खातून बदसलूकी, हिरासानी और तशद्दुद का शिकार बनती है। इसी तरह हर 2.5 दिन बाद खातून पर तेजाब से हमला कर दिया जाता है, जबकि तशद्दुद, बदसलूकी, हिरासानी और ज्यादती का निशाना बनने वाली खातीन में 6 साल की बच्चियों समेत 60 साल तक की खातीन शामिल हैं। इससे भारत से मुतल्लिक ये उमूमी राय मजीद पुख्ता हो जाती है कि वो दुनिया भर में खातीन के लिए गैर महफूज मुल्क है। खातीन के साथ जिनसी ज्यादती के लगभग 34,000 वाकयात का इंदराज हुआ है, जबकि खातीन के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों ने कहा है कि असल वाकयात की तादाद इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि बहुत से वाकयात बदनामी के खौफ से रिपोर्ट नहीं किए जाते।